हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरी चैनल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्वागत है। और मैं आज आपके साथ में आंवले का मुरब्बा की रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। ये मुरब्बा एकदम यूनिक, आप देखेंगे। मैंने इस तरह के आंवले 250 ग्राम लिए हैं और इनको मैंने पहले पानी से अच्छी तरह साफ़ किया और उसके बाद में इसको पोंछ करके सुखा लिया। सुखाने के बाद मैंने इससे इसकी गुठलियाँ अलग की, इसके अंदर जो इसकी गुठली थी और इसका पल्प मैंने इस तरह से निकाल लिया, रफली चॉप किया मैंने और इस तरह से इसकी सारी गुठलियाँ बाहर निकाल दिए। अब इसमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं हमारे इस पल्प को इस में डाल करके जार में डाल करके हम इसे फाइन, एकदम बारीक, बिना पानी डाले हुए इसको पीसेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। और इसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके बारे में, शुगर जितना पल्प होगा उसके बराबर हमने शुगर ले लिए, 2 पिंच के करीब मैंने काला नमक लिया है। यहाँ मैंने ये लौंग को दरदरा कूट लिया है, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची पाउडर, इन सब को मैंने दरदरा कूट लिया है। सबसे पहले हम जार में इस पल्प को डाल करके इसको बारीक पीस लें। इसको हम बिना पानी डाले हुए पीस रहे हैं, इसलिए बार बार हमें इसमें चला करके और इसको हिलाना पड़ेगा। एक बार में हम इसको नहीं पीस पाएंगे क्योंकि इसमें पानी नहीं है। देखिए इस तरह से होगा, तो हमें इसे बार बार इस तरह से हिला लेना है और हिला करके फिर से इसको पीसना है जब तक ये फाइन, एकदम बारीक ना हो जाए। देखिए यदि सूखा सूखा ज़्यादा लग रहा है और मिक्सी चलने में मुश्किल हो रही है तो आप इसमें 1 चम्मच ही पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। और इसको ऊपर नीचे करते हुए इसको 4 से 5 बार हमें पीसना होगा। ये देखिए इस तरह का मैंने पीस लिया है। और आप इसको ग्रेट भी कर सकती हैं, यदि आप आंवलों को ग्रेट कर सकें तो आप ग्रेट कर लीजिएगा, उसको कस लीजिएगा। और अब हम सब इधर अपने पैन को गैस को ऑन करते हुए इसको ऑन करते हैं और इसमें हमने जो ये ग्रेट किया है पल्प यानी जो पीसा है इसको हम इसके अंदर पैन में उलट देंगे। और इसको देखें, इसके अंदर हमारी जो शुगर है इस शुगर को भी इसके अंदर ले लेते हैं, दोनों को मिक्स करके हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा और चाशनी वाला ना हो जाए। देखिए आंवले का मुरब्बा कई तरह से डाला जाता है मगर ये आंवले के मुरब्बे का ही एक तरीका है जो एकदम स्मूथ, पतला, बारीक जो है वो चटनी जैसा, यानी या इसको मीठी चटनी कह लीजिए या मीठा इसका आंवले का मुरब्बा कह लीजिए, वैसे हम इसको आंवले का मुरब्बा ही कहते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें शुगर सारी डाल दी। अब ये शुगर धीरे धीरे पकेगी, इसको हम मीडियम आंच पर रखेंगे, थोड़ी देर हम हाई फ्लेम कर देंगे जब तक कि ये नीचे अगर लगने का एहसास हो तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसको चेंज कर देंगे। ये देखिए इसने शुगर ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, हम इसे इसी तरह से पकाएंगे। अब थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं, धीरे धीरे ये पानी जो है वो इसमें से निकलेगा और ये जब चाशनी बनने लगेगी इसको हम फिर से देखेंगे। अभी हम इसको
मीडियम फ्लेम पर ले आते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर खदका यानी बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब धीमी गति से इसमें मीडियम आंच पर हम इसे पकाएंगे। ये फ्रेंड्स देखिए, हमारा मुरब्बा जो है वो थोड़ा तैयार होने की तरफ चल रहा है। इसमें अभी चाशनी पूरी नहीं हुई, ये एकदम सूख जाएगा। इसकी चाशनी जो है वो एकदम दो तार की बन जाएगी, अच्छी गाढ़ी। तो हम इसको इसी तरह से पकने देंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अब थिक होने लगा है, मगर अभी हमें इसको और थिक करना है। देखिए, क्योंकि इसमें साइड में अभी जो बबल्स जो हैं वो पानी जैसे हैं, अभी चिपचिपापन नहीं आया, तो थोड़ा हम इसको थोड़ी देर 2 से 3 से 4 मिनट अभी इसको हम और फुल स्पीड पर गैस रख करके और इसे चलाएंगे। मैंने फ्लेम को मीडियम पर कर दिया है और अब मैं इसके अंदर हमारा जो साल्ट हमने ब्लैक नमक लिया है, काला नमक, उसको इसमें डाल दिया। और इसमें हमारी दालचीनी, काली मिर्च का पाउडर और इलायची पाउडर और लौंग पाउडर, इन सबको भी एक साथ इसके अंदर डाल के और इसको मिक्स कर देते हैं। और अब इसको फुल स्पीड पर गैस करके फ्लेम को हम हाई पर करेंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आई इसमें इलायची और ये सब डलते ही, इन मसालों की अच्छी इतनी बढ़िया गंध आ रही है। और साथ ही जो काला नमक डाला है, इसकी एक अलग तरह की इसके अंदर खुशबू आई है, बहुत अच्छी। फ्लेम को हम हाई पर कर लेंगे और इसको थोड़ा 2 मिनट के करीब और पकाते हैं। ये फ्रेंड्स, हमारा आंवले का मुरब्बा तैयार है। और इस मुरब्बे को बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, क्योंकि ये जैम जैसा लगता है और बहुत डिलीशियस, यूज़फुल, हेल्दी। इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ी देर, और ठंडा करके फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेंगे और आप महीनों तक इसको खा सकते हो। इसमें कोई भी इसको ख़राब नहीं होगा ये, और एज इट इज़ रहेगा, इस तरह का स्वाद देगा। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया और फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छा डिलीशियस आपका आंवले का हमारा मुरब्बा तैयार है। और आप बच्चों को खिलाइए, आप खाइए, और इस मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो चीज़ें हमने डाली वो सारी ही हमारी बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है उसमें ये हमें सारी गर्माहट देती हैं, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बनता है। अब आप इसको ट्राई कीजिएगा, और यदि आपको ये अच्छी लगती है मेरी रेसिपी, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।